प्रदेश में ग्वालियर में सट्टेबाजों से लूट करने वाले सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस वालों को विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। ग्वालियर रेंज की डीआईजी ने विभागीय जांच के बाद सब इंस्पेक्टर मुकुल यादव, सिपाही राहुल यादव और विकास तोमर को बर्खास्त कर दिया है। वहीं तीनों आरोपियों पर पुलिस विभाग के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर शहर में दतिया के सट्टेबाजों से रुपए वसूलने वाले सब इंस्पेक्टर मुकुल यादव, क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक राहुल यादव और आरक्षक विकास तोमर को आखिरकार डीआईजी कृष्णा वेणी देशवंतु ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। घटना के बाद से ही तीनों पुलिसकर्मी फरार बने हुए थे। उन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक लूट के मामले में 3 पुलिस वाले जो हैं उसमें आरोपी थे और इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, क्योंकि शासकीय ड्यूटी में जाकर इनके साथ इनके द्वारा ये आपराधिक कृत्य किया गया था। इसमें ये लोग अभी फरार हैं, इनके ऊपर इनाम भी घोषित है गिरफ्तार उस प्रकरण में। इसके साथ में इनकी विभागीय कार्रवाई भी कर रहे थे, इसमें विभागीय जाँच कार्रवाई कम्प्लीट हो गई है और इनमें से तीनों को दोषी पाकर उप निरीक्षक मुकुल यादव, विकास तोमर और राहुल यादव तीनों को सेवा से बर्खास्त डीआईजी ग्वालियर रेंज के द्वारा कर दिया गया। पुलिस प्रयास कर रही इसलिए हमने इनाम भी घोषित किया है और जल्दी पकड़ेंगे भी, लेकिन चूंकि ये विभागीय कार्रवाई भी थी और इसमें इनको नौकरी से निकाल दिया गया। बता दें कि सिमरौल थाना क्षेत्र के MPCT के फ्लैट में बीते दिनों देर रात क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे सट्टेबाजों को डरा धमका कर गन पॉइंट पर गोला का मंदिर पुलिस थाने में पदस्थ SI मुकुल यादव, क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक राहुल यादव और आरक्षक विकास तोमर ने 23,15,000 रुपए वसूले थे और उन्हें अपने बैंक खातों में डलवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।